गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये देखो, सुबह सुबह मैं आई हूँ बेटी के स्कूल। आज मिला है इसका रिपोर्ट कार्ड, अभी घर जाके देखते हैं। वैसे तो ए ग्रेड मिला है इसे भी। आगे देखो मेरे कैसे सूजी सूजी सी हो रही। सुबह सुबह ना इतनी ठंडी हवा चल रही स्कूटी पे और ज़्यादा लगती है। मिलते हैं घर जाके। ब्रेकफास्ट में बने हैं चाय और पराठे, जिस जिसको खाने हैं आ जाइए। सुबह इतनी अच्छी धूप निकली थी, बादल नहीं थे और बादल आ गए हैं। और मेरी तो आँखें नहीं खुल रही है इस मौसम में। और मुझे ना कपड़े धोने हैं, और पानी इतना बरसा हो रहा है और मौसम का भी पता नहीं है। और कपड़े हो गए हैं 3 दिन के, बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो अभी देखते हैं क्या करती हूँ, वॉश ही कर देती हूँ। वैसे तो आँखें नहीं खुल रही है, अजीब सी चमक है धूप में। तो कितने सारे कपड़े, मशीन फुल है उसके ऊपर, फिर इतने सारे हैं मशीन में नहीं आते ना, तो फिर ऊपर डालने शुरू कर देते हैं। वैसे तो साथ के साथ मशीन में डालते हैं, और मशीन भरी हुई है ये है। अब मैं ये सारे वॉश कर देती हूँ, 3 दिन से कपड़े नहीं धुले, और 3 दिन में बहुत हो जाते हैं, बच्चे भी है ना, तो अब इनको वॉश करती हूँ। पानी बर्फ है, बर्फ बिल्कुल। और अभी मैंने डाल दिए हैं ये रेड और ग्रीन दोनों साड़ियाँ, जो मैंने नवरात्रि में पहनी थी। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें इजी, क्योंकि मैं साड़ियाँ इजी से ही धोती हूँ। और ये धुल रही है इधर, बाकी कपड़े बाद में इनके। तो जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक मैं बाकी के काम निपटा लूँगी, किचन साफ़ करना है। लेकिन उससे पहले मैं फिर से ले आई हूँ चाय, बना के चाय पी लेती हूँ पहले। और हमारे ना इस एक्वेरियम की लाइट भी ख़राब हो गई है, आज मुझे लाइट लेने भी जाना है। और अभी मैं सब्जी ले लेती हूँ, सब्जी वाले आए हैं। तो ज्यादा पके से लग नहीं, रहे हैं पका मुझे। नहीं, टैट टमाटर देखो, कच्चे से ही देना फिर ज्यादा से चल जाता है ना। करेले कैसे दिए? करेला 30 रुपए पाव, आधा किलो दे दो। एक मेथी दे दो। कैसे दी तोरी है बताओ? 60 रुपए का आधा किलो। 60 का आधा किलो नहीं, यहाँ रख दो। ना 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 ना, इतनी महंगी तोरी क्यों खाए? जब ना ना जब सस्ती जाएगी तब ले लेंगे। ना ना, बहुत ज्यादा महंगी है ना, आधा किलो ही दे दो। लो भिंडी कैसे दी? पक्की तो नहीं है? सब्जी भी मैंने ले ली है। और ये देखो इतनी सी सब्जी 210 रुपए की, इतनी महंगी दे के जाते हैं ना, इसीलिए मैं ज्यादातर मंडी जाके सब्जी लाना सही समझती हूँ। कुछ कम पड़ जाती है बस, जाने का आलस, इसीलिए मैंने कम ही ली है, ज्यादा नहीं ली। आलू प्याज भी लेने थे, मंडी से ही लाऊंगी जाके। कल लाऊंगी, ठीक है, पक्का कल। दीदी नहीं खाती ना, फिर इसलिए नहीं लाई। दीदी नहीं खाती ना, मिलो चलो। गुरबे भी है ना, अच्छा आपके लिए वो बनाऊंगी मैं, भिंडी बनाऊंगी, ठीक है। आलू मेथी, आलू मेथी थोड़ी खाती है। मेरा बेटा नाराज हो गया, इसको तोरी चाहिए थी, इसको तोरी बहुत पसंद है। और मैं लाई, बेटे तोरी अच्छी नहीं थी, वो गंदी थी, दूसरे मार्केट से जाके लाऊंगी तब खा लेना। हे भगवान, सुनी नहीं रहा है ये तो। बेटे तोरी क्यों लाई? कल लाऊंगी, ठीक है, तोरी क्यों? कल लाऊंगी ना, तोरी गुड़बी भी तो बात मानते हैं। मेरा बेटा तो गुड़ है, आज नहीं मान रहा भाई ये, आज तो बैड बन गया। तोरी क्यों लाई? चल अभी ला रही, ठीक है, ठीक है। परेशान करेगा ना मम्मा को। मैं तोरी क्यों दे लाई? तोरी 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 कल पक्का, कल। अच्छा ठीक है, अब ना नोनू के लिए मैं तोरी नहीं लाई ना, तो अब मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। और मैं बनाऊंगी इसके लिए मैंगो शेक। हो गया, कुछ हो गया। आम के पेड़ ने मेरे को इतना परेशान कर रखा है ना, इतने सारे पत्ते हर टाइम गिर कर आते हैं, और इनको मैं झाड़ू लगा के नीचे गिरा दूंगी। तो नीचे काम वाली जब झाड़ू लगाएगी ना, वो उठाएगी और माली इनमें फिर आग लगा देते हैं। ये देखो कितने हो गए बिल्कुल के। ये वाला काम मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, लेकिन और इसकी डस्ट से ना मुझे एलर्जी है बहुत ज़्यादा। आज गीले है इसलिए डस्ट नहीं हो रही ना ज़्यादा, और नहीं तो इनको करते टाइम ना मुझे मुंह लपेटना पड़ता है, नहीं तो इतनी छींके आते ना, छू अच्छू करती रहती हूँ फिर मैं। तो अभी इनको नीचे गिरा देती हूँ ज़रा।
ये देखो नीचे कितना बुरा हाल पत्तों से। मैं भी इनको उठा गई ऐसे नीचे। तो फ्रेंड्स अभी ना दिन के 2:15 हैं दोपहर के, और ये देखो काला बादल आ गया है। वैसे ना कपड़े मेरे सूख गए हैं सारे, इनको भी उतार लेंगे अभी। नोनू तो लग गया उतारने, बाबू मैं उतारूंगी अभी रहने लो। और अभी ना बच्चे छत पे खेल रहे हैं, 2:00 हैं और बादल तो ये देखो कितना काला। मैं अभी ये वेट कर रही हूँ बारिश आए तो मैं कपड़े उतारूँ। कुछ तो मैंने उतार लिए जो सूख गए थे, थोड़े बहुत हैं जो थोड़े थोड़े से गीले हैं, हवा इतनी चल रही है वैसे सूख जाएंगे वो भी। और ये दोनों खेल रहे हैं यहाँ पे। बाकी अभी रोटी सेकनी है, भिंडी मैंने छोंक दी है, अभी रोटी सेक देती हूँ जब तक वेट। इधर तो लग नहीं रहा बारिश आएगी, ये देखो ये देखो, और इधर लग रहा है क्या, बस आएगी ही। वैसे बादल गरज रहे हैं बहुत तेज। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, देखो पहरेदार बिल्ली नोनू म्याऊ। और हमारे पेड़ पे कितने अमरूद लगे हैं ये देखो, कितने सारे, कोई खाने वाला नहीं है। और किसी को गोभी चाहिए, ये देखो गोभी। रेना गई जल्दी आ जाओ ऊपर, आएगी नहीं यहाँ तक, करो थ्रो करो, आई नहीं ना, मैं नहीं करूंगी। हाँ कर दे, नहीं फेंकूंगी नहीं मैं। अभी ऊपर छत तक जाना है, और कौन लाएगा उतार के? ओए और भी तो है, लो लाओ जाओ और लेके आओ, रुको 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 और ले। तो अभी दोपहर के खाने में मैंने बनाई है भिंडी और रोटी, और इन्हें देख के और ज़्यादा भूख लग रही है। वैसे भी 2:45 हो गए, लेट हो गया खाना, तो अभी खा लेते हैं फटाफट, आप लोग भी खाइए। और ये हो गई है बारिश स्टार्ट, बादल गरज रहे हैं बहुत। 1 घंटा भी बारिश नहीं हुई और ये देखो बरस बरस के चले गए बादल उधर, और उधर ना पहाड़ों की तरफ इतनी तेज़ बारिश है फिलहाल, बहुत तेज। ये देखो काला आसमान हो रखा है बिल्कुल, और इधर धूप आ गई, यहाँ पे रेनबो बना हुआ है ये रहा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी रात के 8:30 हैं और खाना हमने खा लिया है। नोनू तो आज जल्दी सो भी गया क्योंकि शाम को ना बहुत खेला वो बाहर, वो थक गया शायद। और खाने में अभी हमने खाया है दिन की भिंडी बची हुई थी कुछ तो, और कुछ मैंने ये करेले बनाए थे बहुत टेस्टी से। एक कलर से इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूध गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, और किचन बर्तन सब क्लीन कर दिया। और आपको ना एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि धनिया जल्दी से नहीं सूखता है, जो मुझे मेरी सासू माँ ने बताई थी, अभी दिखाती हूँ आपको। कभी भी हरा धनिया लेते हो ना और उसको ज़्यादा दिन तक ताज़ा रखना है, तो उसके लिए ये एक उपाय। एक गिलास में पानी लिया, और जो धनिया की ये है ना जड़े, ये इसमें डाल के और इसको रख दो। बल्कि ये ना सुबह लिया था, मुरझा सी गया, और ये ना रात रात में जितना मुरझाया हुआ है ना वो भी ठीक हो जाएगा। सुबह दिखाऊंगी आपको, बहुत फर्क हो जाएगा इसमें, और कई दिनों तक चल जाता है ये, फिर जल्दी से सूखता नहीं है। और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देते हैं क्योंकि अब मेरे को भी नींद नहीं आ रही है, वैसे सोऊंगी नहीं, अभी ब्लॉग एडिट करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।